तो कैसी है मेरी SK28 की पब्लिक? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आप सभी लोगों ने टॉप अप कर ही लिया होगा, इसलिए इस वीडियो पर आए हो। तो गाइस ये सारे के सारे आइटम आपको अभी तक नहीं मिले होंगे, पर मैं अभी इन सबको क्लेम करने वाला हूँ इस वीडियो पर। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले बस एक बार बोलूँगा, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसको क्लिक कर दो अगर आप लोग चैनल पर नए हो। तो आपको पता है यहाँ से भी आप लोग ये टोकन कंप्लीट करके देख सकते हो, 20 टोकन चाहिए। यहाँ से आप टोकन खरीद सकते हो, पर 10 डायमंड की एक टोकन मिलती है। तो आपको बहुत सारे डायमंड लग जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको आना स्टोर पर, और स्टोर पर आने के एक क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से अगर आप लोग ये परचेस करते हो टोकन, तो आपके कितने डायमंड लगेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है इसमें, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 40 डायमंड का एक स्पिन होगा, पर आपके कितने डायमंड लगेंगे सारी टोकन निकालने में वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो हम लोग एक स्पिन करते हैं और देखते हैं कितने टोकन निकलते हैं, और यहाँ पर निकल चुके हैं 6 टोकन एक साथ, मतलब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ही टोकन निकलेंगे। तो अभी हम लोगों को सिर्फ 20 टोकन चाहिए थे, तो वो तो हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर रेड बन आ गया, मतलब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं टोकन। और इसको भी हम लोग अनलॉक कर सकते हैं, जो कि है ग्रेनेड की स्किन, तो इसको अनलॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल चुकी है ग्रेनेड की स्किन। इसके बाद जो हमारा 3rd नंबर का रिवॉर्ड है वो कितने डायमंड का है, सॉरी कितने टोकन का है वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये है हमारा 25 टोकन का, ये भी कम है, 2-3 स्पिन में निकल जाएगा। तो फटाफट हम लोग स्पिन कर लेते हैं। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, ये इवेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर बहुत ज़्यादा बेकार है? आप लोगों को क्या लगा था कि 100 डायमंड के टॉपअप पे आपको सारी चीज़ें एक साथ फ्री में मिल जाएगी? तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा इवेंट लगा आपको अगर आपने अभी टॉपअप कर लिया है। तो देख सकते हो 3rd वाला जो हमारा रिवॉर्ड है वो भी यहाँ पर अनलॉक हो चुका होगा, ये है हमारा लूट बॉक्स, और ये भी अनलॉक हो चुका है। इसके बाद जो हमारा 4th नंबर पर है वो एक ग्लू वॉल की स्किन, जो कि एनिमेशन वाली है, और जो आपको लास्ट में दिख रहा है वो क्या है वो भी आपको पता चल चुका होगा, वो भी ग्लू वॉल है, पर वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक ग्लू वॉल है। यहाँ पर मैंने एक साथ सारे स्पिन कर दिए थे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, लास्ट में आपको एक और स्पिन करने का ऑप्शन मिलता है, और वो स्पिन करने से आपको क्या मिलेगा, आपको जो 5 टोकन है वो बैक मिल जाएगी, मतलब आपको वापस मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे स्पिन करा तो ऊपर आप देखना लिखा हुआ आ रहा है कि 5 टोकन आपको वापस मिल चुकी है। तो आपका एक स्लॉट ओपन होगा, वैसे ही आपको यहाँ पर एक स्पिन ओपन करने का मिल जाएगा ऑप्शन। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी ग्लू वॉल की स्किन भी निकल चुकी है, और जो हमारे डायमंड है वो काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से 800 या 700 डायमंड इतने से करने में लग चुके हैं। और यहाँ पर हमारे जो कंप्लीट हुए हैं वो देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 रिवॉर्ड निकालने में कम से कम आप लोग काउंट कर लेना, मेरे ख्याल से 1000 डायमंड लग चुके हैं टोटल। और अभी हमारे 3 रिवॉर्ड लास्ट के बचे हुए हैं, जिसमें थॉम्सन की स्किन है, इमोट है, और ये ग्लू वॉल की स्किन है। तो गाइस ग्लू वॉल की स्किन अभी मैं कुछ भी नहीं निकालने वाला ये लास्ट के 3 आइटम, क्योंकि अभी मेरे पास डायमंड काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जो लास्ट वाली ग्लू वॉल है वो भी आप लोग सामने देख सकते हो, ये मैंने किसी और बंदे की वीडियो में से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये इस तरह से ग्लू वॉल दिखने वाली है। तो सारे आइटम आपको पता ही चल चुके होंगे कैसे हैं और कहाँ से मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।